हेलो हेलो, एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में। इसमें हम सारे क्वेश्चन यूपीएससी CDS 1 2016 के लेंगे। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ तुषार गर्ग एंड आप देख रहे हैं अपना चैनल वी आर रॉ। फर्स्ट क्वेश्चन इज डी पुलिस अक्यूज हिम फॉर थेफ्ट। ऑप्शन ए विथ इन ऑफ एंड नो इम्प्रूवमेंट। अक्यूज के साथ हमेशा फोर का यूज नहीं किया जाता, ऑफ का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर बनता है अपना ऑप्शन नंबर सी। जैसे मैंने लिख दिया कि अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ही वांटेड दैट आई लेफ्ट इमिडिएटली। ऑप्शन ए आई मे लीव, मी टू लीव, आई लीव एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हमेशा वांटेड के साथ डेट का प्रयोग नहीं किया जाता। वांटेड के बाद अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है तो उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है एंड टू प्लस के लीव एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। दिस इज टू सर्टिफाई डेट आई नो मिस्टर जे मैथ्यू सिंस 1970। ऑप्शन ए एम नोइंग, ऑप्शन बी हैड नोन, ऑप्शन सी हैव नोन एंड ऑप्शन डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है तो ये सेंटेंस बनेगा अपना परफेक्ट में। एंड दिस इज टू सर्टिफाई डेट ये इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पर हैव नोन का प्रयोग किया जाएगा। सो अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। जैसे मैंने बताया कि सिंस के बाद अगर पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1970 ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इससे पहले परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है एंड सी आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। दे टुक अवे एवरीथिंग डेट बिलोंग टू हिम। ऑप्शन नंबर ए इज डेट हैड बीन बिलोंगिंग, ऑप्शन नंबर बी डेट बिलोंग, ऑप्शन नंबर सी डेट हैज बीन बिलोंगिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो इसका आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है एंड बिलोंग्स भी पास्ट में है, तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर इज फिफ्थ। इट वॉज द मदर ऑफ द गर्ल ऑफ हूज वॉइस आई हैड रिकॉग्नाइज। ऑप्शन नंबर ए इज हुज वॉइस, ऑप्शन नंबर बी इज दी वॉइस ऑफ हु, ऑप्शन नंबर सी इज वॉइस हुज एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो इसका आंसर बनता है अपना ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि जो हुज वर्ड है वो पोसेशन शो करता है, तो यहाँ पर हमको ऑफ की जरूरत नहीं है, तो अपना आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स। डी एक्सिक्यूटिव काउंसिल इज कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। ऑप्शन नंबर ए इज कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ई इज कंप्राइसेस ऑफ, ऑप्शन नंबर सी इज कंसिस्टेड ऑफ, ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो अपना आंसर है इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए। अब हम जानेंगे क्यों करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बार पैसिव फॉर्म वॉइस की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर इज लगाकर इसको पैसिव बना दिया गया है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस आएगा, सो अपना नो इम्प्रूवमेंट तो गलत हो जाता है। कंसिस्ट और ऑफ यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी के पार्ट की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पर मेंबर्स की बात करी जा रही है, तो ये नहीं आएगा। एंड ऑप्शन नंबर बी में कंप्राइसेस के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बचा कुचा है अपना ऑप्शन नंबर ए, जो कंसिस्ट के साथ ऑफ लाता है, ये सही है। तो अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर इज सेवेंथ। डी मेड वाज लेइंग द टेबल फॉर डिनर। ऑप्शन नंबर ए इज सेटिंग अप, ऑप्शन नंबर बी इज लेइंग, ऑप्शन सी इज सॉर्टिंग आउट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि सॉर्टिंग आउट का मतलब होता है अनटेंजल, मतलब किसी चीज को सुलझाना, तो यहां पर सुलझाने की बात नहीं की गई है। यहां पर जो मेड है मतलब सर्वेंट है, वो टेबल को डिनर के लिए लगाता है।
यहाँ पर लिंग का प्रयोग सही है, इसलिए यहाँ पर डी आंसर था। और इस लिंग का मतलब होता है लेटना, यहाँ पर ये भी नहीं है, सेट नहीं करना है उसको, टेबल को लगाना है, तो ये भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव सो अरेंज्ड द मैटर्स एंड वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। ऑप्शन नंबर ए इज डेड वन ऑफ अस, ऑप्शन नंबर बी इज सो डेड वन ऑफ अस, ऑप्शन नंबर सी इज सच डेड वन ऑफ अस, ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो यहाँ पर सो का प्रयोग किया गया है, तो सो के साथ कंजंक्शन रूप में डेड का प्रयोग होता है, एंड नहीं आएगा, तो इन तीनों में डेड का प्रयोग है लेकिन डी में नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है। अब सो डेड दो दो बार नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब बचते हैं ए और सी, इन दोनों में से कौन सा होगा। अब इसका हिंदी अर्थ करना पड़ेगा, वी हैव सो अरेंज द मैटर डेड वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। हमने मैटर को इस तरह से अरेंज किया कि हर एक व्यक्ति हम में से वो हमेशा ड्यूटी पर रहता है, इस तरह से अरेंज किया, इस तरह से अरेंज करने के लिए यहाँ पर सच का प्रयोग किया जाएगा, तो अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सच जो वर्ब है वो एडवर्ब डिनोट कर रहा है अरेंज को, मतलब यहाँ जो सच वर्ब है वो अरेंज को डिनोट करने के लिए आया है ना, कि मैटर को इस तरह अरेंज किया, तो यहाँ पर सच इसलिए आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हार्डली हैड वी गॉट इन टू द फॉरेस्ट वेन इट बिगेन टू रेन। ऑप्शन नंबर ए इज हार्डली वी गॉट, ऑप्शन नंबर बी इज बी हैड हार्डली गॉट, ऑप्शन नंबर सी इज बी हैड गॉट हार्ड, ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो अपना करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा। ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्डली का सेंटेंस जब सेंटेंस हार्डली वर्ड से स्टार्ट किया जाता है, तो उसके साथ हमेशा इनवर्जन का यूज होता है। सो इनवर्जन का यूज ना ही इसमें किया गया है, ना ही इसमें किया गया है, ना ही इसमें किया गया है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस के अंदर हार्डली को सेंटेंस का स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन इसमें तो हार्डली है ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं, ना ही ये है ना ही ये है। अब बच्चा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, व्हाट। यहाँ पर जो वैन का प्रयोग किया गया है, तो हार्डली के साथ वैन का प्रयोग किया जाता है जब सेंटेंस स्टार्ट बिंग हो, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लिखा होता तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होता, लेकिन इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी ऑप्शन से, तो अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ईच टाइम ही फेल्ट टायर्ड ही लाइड डाउन। ऑप्शन नंबर इज लाइस, ऑप्शन नंबर बी इज लेस, ऑप्शन नंबर सी इज ले, ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो यहाँ पर जो लाइक का मतलब है झूठ बोलना, और ये लाइक की सेकेंड फॉर्म है। तो जब वो टायर्ड फील करता है तो वो लेट जाता है, और लेटने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मतलब लेस का यूज किया जाएगा। लाई ले लेन, ये इसका मतलब होता है लेटना। लाई लाइड लाइड, झूठ बोलना। ले लेड लेड मतलब अंडे देना, तो अपने को यहाँ पर इस चीज की जरूरत थी, तो हमारा आंसर बन गया था ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। तो इट वाज रेनिंग व्हाट आई वेंट आउट। ऑप्शन नंबर ए इज व्हाट येट आई, ऑप्शन नंबर बी इज आई, ऑप्शन नंबर सी इज हाउएवर आई, ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जब भी हम थो का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ किसी और कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता, केवल कोमा का प्रयोग होता है और उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, केवल बी को छोड़ के, तो अपना आंसर था ऑप्शन नंबर बी। देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अनलेस वर्क हार्ड ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज अनटिल यू आर वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी इज अनटिल यू डू नॉट वर्क, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट।
अनलेस के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं किया था, सो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। यहाँ अंटिल भी नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा अपना ऑप्शन नंबर ए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख रखा है अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता और अनलेस के साथ किसी भी मॉडल का भी यूज नहीं किया जाता, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, सी हैज ग्रोन टू ओल्ड टू डू लिटिल वर्क। ऑप्शन नंबर ए सम, ऑप्शन नंबर बी एनी, ऑप्शन नंबर सी इज ए लिटिल एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो यहाँ टू और टू का यूज किया गया है, ये यूज जब किया जाता है तो वो सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस को नोट करता है और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा एनी का वर्क यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो वर्क वर्ड का यूज किया गया है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, सो सम का प्रयोग करना गलत होगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है एंड लिटिल वर्क का मतलब होता है ना के बराबर वर्क। यहाँ वर्क की क्वांटिटी या अमाउंट को नहीं बताया जा रहा है, तो यहाँ पर सी और डी का कहना गलत है। यहाँ टू और टू साथ एनी का प्रयोग होगा क्योंकि उसने कोई भी काम नहीं किया, यहाँ कोई कार्य था, इसलिए यहाँ पर वी का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, नो वन एंजॉयज टू डिसीव हिज फैमिली। ऑप्शन नंबर ए डिसीविंग, ऑप्शन नंबर बी इज फॉर डिसीविंग, ऑप्शन नंबर सी इज डिसीव, ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो जब भी एंजॉय वर्ड का यूज किया जाता है तो हमेशा इसके बाद आने वाला नाउन या सॉरी नाउन या प्रोनाउन वो हमेशा जीरंड फॉर्म में होता है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी गलत है एंड ऑप्शन नंबर सी भी गलत है एंड ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि ये जीरंड फॉर्म में है, यहाँ पर किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं थी, तो फोर का आने से ये बी भी गलत हो गया था। सो ऑप्शन नंबर ए एंड एंजॉय के साथ जीरंड। क्वेश्चन नंबर 15, हैव यू एवर सो द फ्लावर ऑफ ए पंपकिन प्लांट। ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर बी इज सीन, ऑप्शन नंबर सी इज सीन एंड ऑप्शन डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो यहाँ पर हैव के साथ सो का यूज करना गलत है क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, सो यहाँ पर सीन आएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। एंड हैज और हैव के साथ जब भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पास्ट टेंस को डिनोट कर सॉरी परफेक्ट टेंस को डिनोट कर, जब हैज और हैव लगाया तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड हैड लगाया तो पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, इट इज एन एंशियंट हिस्टोरिकल प्लेस एंड इट वंस बिलोंग्स टू द पांडवास। ऑप्शन ए इज बिलोंग, ऑप्शन बी इज बिलोंगिंग एंड ऑप्शन सी इज बिलोंग, लास्ट ऑप्शन डी इज नो इम्प्रूवमेंट। सो यहां पर हिस्टोरिकल प्लेस, इट इज एन हिस्टोरिकल प्लेस, यहाँ पर हिस्ट्री की बात की गई है एंड जो पांडवास थे वो हिस्ट्री में थे, तो यहाँ पर बिलोंग्स का यूज गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, तो डी नहीं होगा। बिलोंग भी उसी को डिनोट करता है, यहाँ बिलोंगिंग का कोई मीन्स नहीं है एंड ऑप्शन नंबर ए इज आंसर, क्योंकि बिलोंग है जो पास्ट सेंटेंस है और यहाँ हमको पास्ट मूवमेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, Since we were knowing the correct route, we did not worry at all. Option number A is new. Option number B is have known. Option number C is no. Option number A, D is no improvement. So, since के साथ जब भी किसी भी sentence का use किया जाता है तो वहाँ हमेशा past indefinite tense का use किया जाता है और ये जो tense है वो past continuous है, तो ये गलत होगा, option number D नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में है और जो पास्ट इंडेफिनिट में आता है और सिंस के साथ या पॉइंट ऑफ टाइम आता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो नो वर्ब, यहाँ पर जो नो वर्ब दे रखा है वो हमेशा थिंकिंग ऑफ प्रोसेस होती है, मतलब कि इस वर्ब को जनरली कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर डी इज आवर कंट्री कैन प्रोग्रेस व्हेन ओनली फ्यू पीपल वर्क हार्ड।
ऑप्शन नंबर एज व्हेन पीपल ओनली वर्क हार्ड, ऑप्शन नंबर बी एज व्हेन पीपल वर्क हार्ड ओनली, ऑप्शन नंबर सी एज ओनली व्हेन पीपल वर्क हार्ड एंड ऑप्शन नंबर डी एज नो इम्प्रूवमेंट। इस सेंटेंस के कहने का मतलब है कि हमारी कंट्री जब प्रोग्रेस करेगी, जब केवल जब पीपल हार्ड वर्क करेंगे, मतलब ये जो वर्ड है दोनों वो इस सेंटेंस के लिए दिए गए हैं कि केवल जब पीपल हार्ड वर्क करेंगे, तो केवल पहले आएगा एंड व्हेन बाद में आएगा, तो ओनली व्हेन वर्क हार्ड, ये सही है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन को शो किया गया है जो है कि पीपल हार्ड वर्क करेंगे। नाउ ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 इज बेक मी अप व्हेन फादर विल कम। व्हेन वर्ड के साथ किसी भी मॉडल का यूज नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर नहीं है, ना ही ऑप्शन नंबर वी है। अब बचता है केम एंड कम्स। यहां पर वेक मी अप, मुझे जगा देना जब मेरे पापा आएंगे, यहाँ प्रेजेंट टेंस आएगा ना कि पास्ट टेंस, तो सी नहीं है, अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। जैसे मैं बताया कि बहन के साथ मॉडल का यूज नहीं किया जाता। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज डू टेक एन अम्ब्रेला विथ यू लीस्ट यू नॉट डू गेट वेट। ऑप्शन नंबर एज लीस्ट सॉरी लेस्ट यू शुड गेट वेट, ऑप्शन नंबर बी लेस्ट यू शुड नॉट गेट वेट, ऑप्शन नंबर सी लेस्ट यू माइट नॉट गेट वेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नो इम्प्रूवमेंट। इस सेंटेंस में जब भी लेस्ट वर्ड का यूज किया जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है, तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर डी कैंसिल होता है, ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल होता है क्योंकि यहाँ पर नॉट आ गया, सेम ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी में नॉट है तो ये भी नहीं होगा, अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेस्ट वर्ड के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, एंड नॉट का यूज भी नहीं किया जाता जो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। आज के इस वीडियो में सीडीएस के जितने भी 2016 के क्वेश्चन थे वो मैंने अब कंप्लीट करा दिए हैं, एंड जो भी अगले क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सीडीएस में, तो मैं वो अगले वीडियो में आपको करा दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।